हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, आज है मंडे, शायद मंडे या ट्यूसडे। तो मैं वीडियो बना रही हूँ एंड अभी सामान वगैरह थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आ रहा है, नीचे में सामान पहुँच गया है। तो मैं दिखा दे रही हूँ आपको कैसा कैसा क्या क्या सामान आया हुआ है। तो बस अभी सामान वगैरह सेट करना है, सेट करके देखते हैं फिर क्या होता है। लंच वंच का कुछ पता नहीं है, देखती हूँ वीडियो भी कब तक मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। अगर नहीं कर पाई तो जिस दिन कर पाऊँगी उस दिन का ब्लॉग आपके लिए ज़रूर जाएगा, लेकिन ये ब्लॉग उसके साथ ही जाएगा। तो चलिए, सामान वगैरह आ रहा है तो मैं देखती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज का मॉर्निंग थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो हम आ गए हैं नए घर में, नई जगह है, सब कुछ नया है। एक्चुअली मैं तो बोलूँगी कि पूरा सब कुछ नया है मेरे लिए। एंड अभी कितने बजे हैं, अभी बजे हैं 11:30। सारा काम वाम ख़त्म करके आई, आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ से एक ब्लॉग में स्टार्ट करती हूँ आज। तो घर तो लगभग पूरा सेट हो गया है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि घर तो लगभग पूरा सेट हो गया है, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, जो मैंने बहुत माइनूर चीज़ें बाकी है, किचन वगैरह वो सारा कुछ सेट हो गया है। तो हाँ, यहाँ आने से पहले ही मेरे पास बहुत सारे हाउस टूर का रिक्वेस्ट आने लगा है, लेकिन अभी मैं हाउस टूर इस यहाँ का नहीं दे सकती। थोड़ा मेरे को भी टाइम चाहिए घर को सजाने का, घर को ठीक ठाक करने का, उसके बाद ही मैं हाउस टूर वगैरह देने का ट्राई करूँगी। एंड अभी चले किचन में चलते हैं। आज लंच क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी अभी सोचा नहीं है। सोना का स्कूल आज सुबह कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर बारिश का तो आप जानते हो, इतना ज़्यादा सुबह बारिश हो रहा था कि बस कैंसिल हो गया। तो इतना ज़्यादा सुबह बारिश हो रहा था, तो अभी भी हो रहा है, इनफैक्ट आप देख सकते हो अभी भी हो रहा है बारिश। तो बहुत बारिश है यार, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश है। तो अभी आई हूँ रसोई में, रसोई वगैरह करना है, फिर देखते। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग आ गए हैं। आज हमारा गाड़ी का डिलीवरी था, तो हम लोग आपके साथ मैंने बात किया, उसके बाद हम लोगों ने लंच करके निकल आए हम तीनों गाड़ी का डिलीवरी लेने। तो ये देखिए गाड़ी एकदम से रेडी है। तो चलिए अभी हस्बैंड पूजा वगैरह करेंगे, पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पर दुकान में पूजा होगा, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा है कि आज सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे और वहाँ पर दर्शन करके। गाड़ी में पहली बार कहीं जा रहे हैं तो वहीं पर ही जाना हमने ठीक समझा, क्योंकि गणपति जी सारे बोलते हैं ना, हर काम शुरू करने से पहले ही गणपति जी को पूजा किया जाता है। तो हम लोगों ने वही सोचा, तो हम लोग अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए कैसे पूजा वगैरह करके हम लोग निकल रहे हैं आप लोग। और ये है टाटा निक्सॉन, ये एक्चुअली हस्बैंड का जो प्रमोशन हुआ है उसके बाद उनको मिला हुआ है। हमारा जो पुराना गाड़ी था, जो कि फोर्ड एस्पायर था, पुराने यानी 2 इयर्स पीछे ही हमने ख़रीदा था, 2019 या 18 में। तो वो वाला गाड़ी हम लोगों ने एक्चुअली उड़ीसा में ससुर जी के पास छोड़ के आए हैं। तो अभी ये गाड़ी ही हमारा बोलते हैं कि वो एक मेंबर था और अभी ये एक नया मेंबर आ गया है। तो बोलिएगा कैसा लगा गाड़ी। तो चलिए चलते हैं गाड़ी में, पहला माने पहला सफ़र तय करते हैं गाड़ी में, और वो भी सिद्धिविनायक जाके दर्शन करके फिर लौटते हैं। सर वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मुझे रॉन्ग नॉब है अपना मिरर से एडजस्टमेंट है, उसके यहाँ पे चारों पावर विंडो से कंट्रोल है, उसके पीछे जो है वो विंडोज लॉकिंग के लिए है, ये अपना दोनों साइड कोने में हॉर्न है, ठीक है, ये
ये आपका म्यूजिकल सीरीज वॉल्यूम डाउन, ये आपका सॉन्ग आगे पीछे करने के लिए फोन रिसीव या कट कर। ये देखिए हम लोग आसपास पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचेंगे सिद्धिविनायक मंदिर। तो अभी तो इवनिंग हो गया है, यानी 4 o'clock के आसपास हो गया होगा। अभी भी आप देख सकते हो यहाँ पर धूप है, लेकिन हमारे यहाँ थाने में वहाँ बारिश हो रही थी, कोई इशू नहीं। और एंड अभी ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, आसपास ही हो गए हैं। अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं कहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे। तो ये देखिए मंदिर, लेकिन मंदिर के अंदर एक्चुअली फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो मैं जस्ट उसके अंदर का थोड़ा व्यू वीडियो में ली हूँ। आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी वगैरह सब प्रोहिबिटेड था, तो हमको पार्किंग भी मिल गया है। तो चलिए अभी दर्शन करके आते हैं। ये देखिए मंदिर के अंदर कितना ज़्यादा भीड़ था, और हमारा दर्शन वगैरह भी हो गया है। अभी चलिए बाहर निकलते हैं। हाय फ्रेंड्स, उस दिन के बाद आज मैं आपके सामने आ रही हूँ। आज है जन्माष्टमी एंड तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है लेडीज़ प्रॉब्लम हो गया है, बहुत कुछ सोच के रखा था नए घर में, ऐसे करूँगी वैसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन इस बार तो मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी। तो जितना भी होगा हस्बैंड करेंगे, हस्बैंड जितना कर पाएंगे। एंड हाँ, राधा के रूप में बेटी को सजाना है, वो मैंने सोच के रखा है, वो मैं करूँगी। एंड आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, मेरा तबीयत ठीक नहीं है एंड पीरियड्स चल रहा है, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो हस्बैंड जितना उनसे बन पाया वही किए हैं, लड्डू वगैरह लाके भोग कर दिया बाहर से। इस बार कुछ भी मैं जन्माष्टमी में अच्छे से नहीं कर पाई, कोई नहीं, गणेश चतुर्थी अच्छे से मनाएंगे। तो ये छोटा सा क्लिप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, आई होप कि आप लोग समझ पाओगे क्यों मैं ऐड कर रही हूँ ये क्लिप। तो ये देखिए हमारे पूजा वगैरह हो गया है, तो सब कुछ ठीक ठाक से हो गया है। अभी चलिए शोना को देख लेते हैं।